नई नई चमक आती है, इतनी तेजी से बदलती है कि हम उसको हमसे पकड़ नहीं पाते। चमड़ी बदलती है, सांस बदलती है, प्रकृति का जो स्वभाव है वो तो पूर्वावस्था का परित्याग करके उत्तरावस्था में जाना और फिर पूर्वावस्था का परित्याग करके उत्तरावस्था में जाना, ये प्रकृति का स्वभाव है। इसको कोई बदल नहीं सकता है, आज तक बदला है। तब होता क्या है कि हम किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी अवस्था से एक संबंध जोड़ लेते हैं। और जिससे संबंध जोड़ लेते हैं चाहते हैं ये हमेशा बना रहे, वो हमेशा बना नहीं रहता। प्रतियोगिता कितनी होती है और प्रतियोगिता कितनी होती है वो तो बना रहता, उसको पुराण में एक श्लोक है, जावतक पूर्ते यत्तो संबंधान मनसा प्रिया तावत पुरुषे निखण्यन्ते हृदय शोक संभवा। इस संसार के प्राणी अपने मन को प्यारे रखने वाले जितने संबंध जोड़ रहे हैं उतने संबंध क्या है, कलेजे में एक ईट और चोट है, वो जब हिलेगी तो तुम्हारे कलेजे को हिला देगी। जितने संबंध होंगे उतनी कलेजे में करेंगे और दुख उतना बढ़ेगा। अब सोचो तो एक सोचो कि एक बेचारी छोटी सी बिगड़ी, सिंधी लोग बिगड़ी बोलते हैं, देश तो बिगड़ी छोटी सी तो बिगड़ी और इसमें रिश्ते नाते कहीं कभी किसी को बुखार है, कहीं किसी के घर में मुर्दगी है, कहीं किसी के घर में लड़ाई है, तो कहीं किसी के घर में घाटा है, तो किसी के घर में मुकदमा है, तो किसी के घर में पत्नी की चरित्र जीविका से पति होती है, तो कोई पति के शराबी होने से कभी होती है। अब जितना जोड़ोगे बाबा दुनिया को अपने दिल में जोड़ना ना है, दिल को जोड़ना जत जत प्रीतिकरम वस्तु मैत्रेय पर जायते तदैव दुख की वृक्षस्य बीजत्व उपगच्छति। राशन कहते हैं मैत्रेय संसार में जो जो वस्तु प्रीति कारक होती है जिसके मिलने पर सुख होता है, छोड़ने पर वही चीज बोलते हैं। जिस समय आप किसी से मजा लेने लगते हैं उस समय आप अपने दिल में ऐसा एक चीज बोलते हैं जिससे आगे चलकर दुख का एक बड़ा वृक्ष पैदा होगा आपके जीवन में, तदेव दुख वृक्षस्य बीजत्वात् उपगच्छति। संबंध ही दुख, अब
आपको फिर कल वाली बात किया जाएगा। असल में कुछ छोड़ा नहीं जाता, यदि तुम अपने को छोड़ना चाहो तो कभी छोड़ नहीं सकोगे, और यदि तुम पराये को छोड़ना चाहो तो छूटे हुआ अपने आत्मा को कोई छोड़ नहीं सकता और अनात्मा को कोई पकड़ नहीं पड़ता। एक महात्मा कहा करते थे, संसार की पहचान क्या है, जिसको पकड़ के तुल कर सकते हैं संसार, और आत्मा की पहचान क्या है, जिसको कभी कोई छोड़ न सके उसका नाम है आत्मा। तो जो छूटा हुआ है, जो छोड़ रहा है, जो छोड़ जाएगा, उसको जब तुम अपना करके पकड़ना चाहते हो तो वो तुम्हारी माँ में आता नहीं, तुम्हारे हाथ में पकड़ा जाता है और तुम्हें छोड़कर भाग जाता है और तुम उसके पीछे पीछे दौड़ते हो। और स्वामी रामकृष्ण ने एक जगह कहा कि आदमी की प्रति है परछाई, रोशनी में परछाई, तो यदि तुम परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ो तो जितना जितना तुम दौड़ोगे वो और भागती जाएगी, और परछाई की ओर पीछ करके तुम रोशनी की ओर दौड़ो तो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी। दुख इसी बात का है कि हम परछाई की ओर दौड़ते हैं, रोशनी की ओर नहीं दौड़ते। जैसे आशा सर्वविदम, जिसकी रोशनी से सारी दुनिया रोशन हो रही है, जिसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, उसकी ओर तो हम चलते नहीं। और यथा पुरुषी छाया प्रश्नों में माया का एक नाम छाया है, वो यथा पुरुषी छाया और छाया की ओर दौड़ते हैं। तो आप अनाथ वस्तु का त्याग कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं कि वो त्यागी हुई है, वो आपकी है ही नहीं, मीरा आपको छोड़ के क्यों गया, वो आपका नहीं था, आपने उसको अपना माना था। हीरा ने आपको अपना नहीं माना था, आपने हीरे को अपना माना था, वो जो तुमको पहचानता ही नहीं। हीरा तुमको पहचानता है कि हमारे मालिक चोर के हाथ में जाने से परहेज नहीं, बिकने में परहेज नहीं, दुकान में जाने में परहेज नहीं, पूजे करने में परहेज नहीं, वो तो तुमको पहचानता ही नहीं, और तुम उसको पहचान के अपना 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 किसी को बोलते हैं प्राप्त। तो भ्रम से मानी हुई जो अपनी वस्तु है वो भ्रम मिट जाने पर नहीं है। तो अब एक बात का निश्चय करो, जो तुमको दुख देता है, कम से कम जो तुमको दुख देता है उसको छोड़ने की शक्ति तुम्हारे अंदर है कि नहीं, और दुख भोगते जाओ, हाय हाय करते जाओ और पकड़े रहो, ये है तुम्हें। जो दुख देता है प्रत्यक्ष उसको भी तो छोड़ने की शक्ति होती है, अर्थात जिस वजह से दुख होता है उस वजह से छोड़ो और मुश्किल। दुख क्यों होता है? पाप से होता है।
सिवाय बाप के को। पाप मारे जिसमें दूसरे का भी अधिक हो और अपना भी अधिक हो। उनको फूल से बहुत प्रेम करते हो बाबू जानते हैं, एक फूल से तो बड़ा बहुत प्रेम तो उसको देखे बड़ा प्यारा फूल है, तारीफ करने लगे फूल तो बड़े सुंदर, फिर छूने लगे कितना कोमल है, फिर सूंघने लगे कितनी सुगंध, और फिर फूल को तोड़ दिया, उसके बाद उसे अलग कर दिया और नाक में लगाया, थोड़ी देर सूंघते रहे और फिर कब तक सूंघ रहे थे, हाथ में लेके चले गए और अंजाम नहीं बसल दिया और बसल के सड़क पर पटक गए और धूमे से मौत मिला। तुमने अपने प्यारे फूल की ये जो उसकी जवानी नष्ट की, उसका जीवन नष्ट किया, उसको जात मात से अलग किया, ये है तुम्हारा प्रेम संबंध, झूठा संबंध। अच्छा, जो तुमको बेहोश कर रहे, बेवकूफ बना रहे, उस जड़ता के हितों को तो छोड़ो, जो दुख दे उसको छोड़ो, और जो तुम्हारी बुद्धि का नाश करता हो उसको छोड़ो, जिसको देख के तुम पागल हो जाते हो उसको छोड़ो, शराब पी के पागल हो जाते हो शराब पी के पागल होते हो, अगर किसी स्त्री को देख के किसी पुरुष को देख के तुम्हारे मन में पागलपन आता है तो पागलपना बनाने वाले से तो परहेज करो। नहीं रखो तो पागलपन ही अच्छा है, हमने सुना तो बचपन बहुत छोटे पर थे इन्हीं पागल दिमागों में धनी खुशियों के लंचे, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। भाई जब तुम्हें पागलपन ही पसंद है, अब तो कोई तुम्हारे दिमाग को हाथ से पकड़ के तो सीधा करेगा नहीं, तो दुख देने वाले को छोड़ो, जड़ बनाने वाले को छोड़ो, मौत के पास पहुंचाने वाले को छोड़ो, जो मौत से छुड़ावे उसको पकड़ो, जो जड़ता से छुड़ावे उसको पकड़ो, जो दुख से छुड़ावे उसको पकड़ो, माने आलंबन लेकर के आश्रय लेकर के त्याग करना। जैसे आप गाली बनते हो जीत नहीं मानते हैं, निंदा करते हो जीत नहीं मानते हैं, तो निरंतर भगवान का नाम लेने का प्रयास करो, जब नाम में रुचि हो जाएगी तो निंदा और गाली देने के लिए तुम्हारे जीवन में अवकाश नहीं दे जाएगा, क्योंकि हाँ यार हम गाली देंगे निंदा करेंगे तो नाम लेना छूट जाएगा, नाम से प्रेम करो। भगवान का स्तोत्र बोलो, नाम बोलो, मौन करो, आलम बन माने एक सहारा लेकर के दूसरे को छोड़ो, बिना सहारे के छोड़ नहीं सकते। ऐसे यदि तुम्हारे मन में बुराई आती है, बुरा काम करने का संकल्प होता है, तो आपको एक नियम ले लो अपने जीवन में,
रोज भोग करो या न करो, ऐसे नियम लो कि चोरी करने का मौका ही ना हो। ब्याह कर लो, ब्याह कर लो और फिर परसने की ओर मत जा, ब्याह कर लो पर भूख की ओर मत जा, नहीं तो जिंदगी भर बदमा ही जाएगी आप। कॉलेज से लड़के निकल रहे हैं, इसको पहनावे, इसको पहनावे, इसको पहनावे, इसको पहनावे, ब्याह वाह नहीं होगा, दोनों हाथ उठे रहेंगे बरमाला, मन भ्रष्ट मन भ्रष्ट। एक लड़की से किसी लड़के ने पूछा उसे कैसे बोले, लड़की ने कहा ब्याह के रास्ते हमारे पास आने का मार्ग ब्याह, ये त्याग है, ब्याह में बड़ा भारी त्याग। एक पुरुष अनेक स्त्री का परित्याग करे, एक स्त्री अनेक पुरुष का परित्याग करे, ये विवाह का आलम्बन लेकर के जीवन में जो व्यभिचार है उसको तो विवाह तक जब करना धर्म है, भोग करना धर्म है, व्रत करना धर्म है, आलम्बन सहारा लेकर के बुराई छोड़ी जाती है। आगे चलो, एक का सहारा लो और सब बुराई छोड़ दो। वो कौन है? ईश्वर भगवान। फिर अलग अलग बुराई के लिए अलग अलग सहारा लेने की जरूरत नहीं होगी, एक ऐसा आश्रय मिल गया सारी बुराई छूट गई। भागवत में तो ऐसे लिखा है कि मन में काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, भय हो, उनका अलग अलग नुस्खा भी लिखा है। संकल्प छोड़ने से काम छूटता है, काम छोड़ने से क्रोध क्रोध छोड़ता छूटता है, सच्चाई का अनुसंधान करने से भय छूटता है, अलग अलग दुष्टे हैं सातवें स्तंभ में। लेकिन भाई सब दोष छोड़ने का नुस्खा क्या है? एक ही, अरे एक ही दवा बताओ ना, राम बाण औषधि। तब सर्वम गुरु मत्या पुरुषो यज्ञ साधे, यदि अपने बड़े के पास रहेगा भाई और तुम्हें चोरी करते देखेगा तो कम से कम हंस को देखा, मजा नहीं करेगा तो हंसते देखेगा कि उनका मन जो है कहीं फंस रहा है तो कह तो देगा साधु सावधान। ये दोष जो है महाराज, ये तरल की तरह आते हैं और संग मिल जाए तो समुद्र हो जाए। ये बात नारद भक्ति दर्शन में तरंगायता अभी ने संगात समुद्रायती, एक लहर की तरह उठती है और यदि अनुकूलता मिल गई, संग मिल गया तो वो समुद्र बन गया और तुम डूब जाओगे। लहर तो आई थी मजा लेने के लिए और ऐसा समुद्र बनेगा कि डूब जाओगे, फिर उसमें से निकल नहीं सकते। अच्छा भाई, आप क्यों करते हैं उपासना? बड़ी जिसके मन में शिथिल वासना होती है वो पाप नहीं करता, मन में वासना तो आ जाती है लेकिन आगे बैठ जाती है। एक बात का ध्यान रखो, यदि वासना के अनुसार काम न किया जाए शरीर से और बुद्धि से उसका समर्थन न किया जाए, बुद्धि से तो समझो कि ये वासना पूरी है और शरीर से वासना के अनुसार काम मत करो तो वो वासना का क्या होगा? का वासना सपना हो जाएगी। जैसे स्वप्न का पाप पूर्ण नहीं लगता है, जैसे स्वप्न में कोई भी दृश्य आवे, कोई भी भावना होवे और वो जागृत में पाप पूर्ण जनक नहीं होती है, इसी प्रकार
यदि वासना समर्थन न पावे, एक ओर से बुद्धि उसको बता दे कि तुम बुरी चीज हो, हमारे घर में लाने लायक नहीं, और दूसरी ओर से काम कह दे कि हम नहीं करेंगे, तो बुद्धि और कर्म के बीच में पड़ करके वासना स्वप्न हो जाती है, तुच्छ हो जाती है, टूट जाती है। अच्छा भाई, तो वासना ही ना आवे इसके लिए क्या करें? योगाभ्यास करना पड़ेगा, वृत्ति के उत्थान को बंद करने के लिए योगाभ्यास की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें दो उपाय हैं, एक तो वासना के स्थान पर वासनांतर की स्थापना, जैसे ईश्वर वासना, स्त्री वासना है, पुरुष वासना है, और भगवान को अपना पति मान लो, अपना यार मान लो, भगवान को अपना दोस्त मानकर वासनांतर, जो लोग में वासना है, लोगों के बारे में जो वासना है, उस वासना को भगवान के साथ पूरी करो। अच्छा चलो, वासना का मोह उड़ जाएगा, और नहीं तो फिर वासना के क्लिष्ट अक्लिष्ट दो भेद होंगे, तो क्लिष्ट वासना को मिटाकर अक्लिष्ट वासना को करो, और प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के द्वारा वृत्ति का ही निरोध कर दो, चित्त वृत्ति को ही रोक दो। इसके भी पांच भूमिका होते हैं, क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और जल्द। योग दर्शन में कर रहा हमारा मनोविज्ञान योग दर्शन है, तो अभ्यास वैराग्य अभियान तन निरोधा, चित्त वृत्तियां जो होती है उनके निरोध का अभ्यास करो, और वैराग्य न हो अभ्यास करोगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी, और वैराग्य तो होए पर अभ्यास नहीं करोगे। द्वेष करो जो होते हैं, ये अभ्यास तो करते हैं योगा का, लेकिन आसन का नाम योगा नहीं है, प्राणायाम का नाम योगा है, तो बहुत भारी चीज होती है। वो तो ड्यूटी हाउस जो काम करता है वही योगा काम करता है, ये जो आसन प्राणायाम योग है ये तो ड्यूटी हाउस में जो काम होता है वही काम आसन और प्राणायाम को होता है। इसके बाद है प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। एकाग्र भूमि और निरुद्ध चित्त एक में एकाग्र हो जाए, चित्तवृत्ति माने एक ही चीज बार बार आने लगे, चिंतन करने कभी बैठते हो, किसी वस्तु का चिंतन करते हो, कितनी देर तक एक विषय का चिंतन तुम कर सकते हो? पवन लो अपने अपनी बेटी के बारे में, लेकिन बेटी के सिवा दूसरी कोई चीज मन में नहीं आने पावे कितनी देर तक? नारायण बोलो, ये तो बच्चे महाराज कल को सुना रहा था कि बच्चों का मनो कैसा होता है, वो एक पेड़ है उस पर एक चिड़िया है, मोड़ के रूटे कर गई, अब जैसे बच्चा का मन जो है ना पेड़ से चिड़िया में, चिड़िया से घर में, एक संबंधी ज्ञान अपर संबंधी ज्ञान का हेतु होता जाता है, ऐसे हमारा मन उठता जाता है। एक बार एक भागवत की पुस्तक के बारे में एक दिन मैंने एकाएक उसको खोल दिया, खोल दिया तो याद आ रहा है कि कब आई हमारे पास, बड़े कुंभ के मेले में आए थे, कुंभ के मेले में कौन है कौन ले आया था, वो हमारा मित्र है, उसको
बावजूद कौन था, हमारे गांव के पास था एक बढ़िया था, वो पढ़ने की क्या था एक दुकान, वो क्या करता था कपड़ा बेचता था, कपड़ा बेचता था, अरे वो तो बेईमानी से बेचता था। ये भगवान भागवत को रह गई सामने भरी की भरी है, और मन कहा गया बाणी की बेईमानी पर। तो ये है बच्चे का मनोविज्ञान, हमारे मन की क्या दशा है। बेटी की बेटी की सहेली और फिर सहेली का बाप, फिर बाप की दुकान या दुकान का सौदा, क्या सोचते हो। एक आज अच्छा बेटी 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 जा रहे, लोग बेटी के सिवाय दूसरी कोई चीज मन में नहीं आवे, चित्त में एकाग्रता चलेगा, एकाग्रता। और इसके बाद होती है निरुद्ध वृत्ति, चित्त को रोक दिया, चित्त वृत्ति को रोक दिया, चलना मत। और जब वो गिरे नहीं तब उसको देखो, साक्षी हो गए। ये त्याग की पद्धति, त्याग की प्रक्रिया ये है, जब आप त्याग करोगे तो आपके मन में शांति आएगी। त्यागा छान गर्मन तरफ। तो कल मैंने अंत में वो जरा विचार की बात करी, ये तो जो मैं बोल रहा हूं एक कायदे की बात, मुझे कभी इसमें थोड़ा मनोरंजन जुड़ा हुआ है। अब इतने लोग बैठते हैं महाराज, तो कोई बात न करें, कोई चुटकुला न बोले, और कुछ थोड़ा जोकर का भी बात तो करने पड़ता है, और लोगों को याद भी कोई रहता है, बाहर में जाके अपन करते हैं कि आपने ये बात बहुत पड़ जाके कौन सी मुझे चुटकुला सुना देते हैं, ये चुटकुला बहुत पड़े। खैर ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है, आपका मन वही पसंद करता है। ठीक है, महाभारत का श्लोक सर्वधर्मात् परित्यज्य मामेकं कर्म त्यज। महाभारत बोलता है त्यज धर्मम अधर्मम च। धर्म माने जागृत स्वप्न और अधर्म माने सुषुप्ति समाधि, धर्म की अत्यंता भाव से बोला है। पर आत्मा में धर्म अधर्म दोनों नहीं है, ये बात महाभारत में सर्वधर्मान परिचय। महाभारत में कहीं से अलग टपू आसमान जैसे टपक पड़े है, तो नहीं वो उपनिषद से आए, कठोपनिषद आपने कभी पढ़ा, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र च कृता कृता अन्यत्र भूतांच मध्यांच। अपना आत्मा क्या है, ये धर्म से भी परे है, अधर्म से भी परे है। और किए हुए से भी परे है, अलग है, और न किए हुए से भी अलग है, और जो हो गया उससे भी अलग है, और जो होने वाला है उससे भी अलग है। अकेले परिषद पढ़ा, दूर बतो विदिकाल अविदिकाल अधीत, वो विदित से जिनको जिसको तुम जानते हो उससे तो बहुत दूर है, और जो नहीं जानते हो उससे ऊपर है। क्या मतलब, दृश्य जगत देख रहे हो जागृत कौशल में, इससे तो बहुत दूर है, दृश्य तो आई नहीं। कक्षा सुषुप्ति समाधि में कुछ नहीं देखते हैं, वहां अविदित है, ठीक है, उसके ऊपर है, जो उसका साक्षी है वो तो छोड़ते चलो बाबा। फिर धर्म उभे सत्यामृते त्यज, उभे सत्यामृते त्यक्त्वा चेतन तेजसी
सत्यम किए जाते हैं, सत्य असत्य बोले जाते हैं, और फिर धर्म अधर्म सच झूठ का निश्चय जिससे होता है ना, उसको बुद्धि को भी छोड़ो। जैसे धर्म संकल्प अधर्म चाप निर्भया उभे सत्य अनुया परम निश्चया, अपने स्वरूप का निश्चय करो। तुम अपने में कुछ कमी देखते हो, दोनों शरीर छोड़ करते तुम अपने स्वरूप को जानोगे, सर्वदावान करके परमात्मा के साथ पहुंच जाओ, वहां जाकर शांति मिलेगी। त्याग शांति अब सुना, अब शांति की बात आपको कर।